हेलो फूडीज़, आम का सीज़न है तो आज मैं आप सबके लिए मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी लाई हूँ। मैंगो आइसक्रीम घर पे बनाने के लिए मैं यहाँ सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी और बहुत ही आसान है मैंगो आइसक्रीम घर पे बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले एक बोल में मैं 1 कप व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ। आप व्हिपिंग क्रीम की जगह अमूल फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए व्हिप कर लेंगे, यानी बीट कर लेंगे अच्छे से। तो अगर आप फ्रेश क्रीम यूज़ करेंगे तो आपको शुगर भी ऐड करना होगा, पर मैं व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ तो इसमें शुगर पहले से ही होती है। शुगर 50% क्रीम व्हिप करने के बाद ही आप ऐड करें, फिर उसके बाद वापस से व्हिप करिए तो टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए हमारा क्रीम तैयार है, हमें इसी टेक्सचर तक व्हिप करना है। तो अब मैं इसमें पाउडर मिल्क ऐड करूँगी। इसकी जगह आप 1/2 कप मिल्क मेड भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ 1/2 कप पाउडर मिल्क यूज़ करा है। तो इसे भी मैं बीट कर लूँगी एक बार ताकि अच्छे से सारी मिक्स हो जाए। तो देखिए पाउडर मिल्क भी बहुत अच्छे से इसके साथ मिक्स हो गई है। तो अब मैं ऐड करूँगी इसमें मैंगो प्योरी। तो ये 2 दशहरी आम की प्योरी है। दशहरी आम आइसक्रीम के लिए ज़्यादा सही होती है, उसमें रस्से नहीं होते और मीठा भी बहुत सही होता है, तो अलग से शुगर डालने की नीड नहीं होती है। आप कोई भी आम यूज़ कर सकते हैं, पर रस्से वाले आम लेंगे तो प्योरी डालने से पहले उसे छान लें। तो मैं यहाँ इसे प्योरी को मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से क्रीम के साथ, जब तक करना है जब तक इसका बैटर स्मूथ ना हो जाए। तो देखिए स्मूथ हो गया। और एक बात, मैंने यहाँ चीनी का इस्तेमाल नहीं करा बिल्कुल, क्योंकि मेरे 3 इंग्रेडिएंट्स मीठा है। तो आप इसे जमाने से पहले एक बार टेस्ट कर सकते हैं, अगर कम मीठा लगे तो आप थोड़ी पीसी हुई चीनी डाल सकते हैं अपने टेस्ट अकॉर्डिंग। तो अब मैं यहाँ थोड़ा मैंगो चंक्स डाल रही हूँ। आइसक्रीम खाते वक्त इसकी जो बाइट्स आएगी इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप मैंगो चंक्स की जगह इसमें पिस्ता या आलमंड्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आप मैंगो चंक्स को भी मिक्स कर लूँगी एक बार। तो देखिए हमारा आइसक्रीम का बैटर तैयार है। अब हम इसे किसी भी एयरटाइट डब्बे में ट्रांसफ़र करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ऐसे स्क्वायर सा एयरटाइट डब्बा लिया है, तो इसमें मैं सारा अपना बैटर डाल दूंगी। तो देखिए मैंने यहाँ सारा बैटर डाल दिया है, तो इसे थोड़ा टैप कर लूँगी ताकि जो भी एयर है वो निकल जाए। तो इसके ऊपर अब मैं क्लिंज रैप लगाऊंगी ताकि जो आइस के क्रिस्टल होए वो आइसक्रीम के ऊपर ना बने। और अब इसे फ्रीजर में रख देते हैं और एटलीस्ट 12 घंटे के बाद ही चेक करेंगे। तो देखिए मैंने इसे पूरा 24 घंटे के बाद निकाला है, आइसक्रीम बिल्कुल तैयार है बनके। तो इसे मैं सर्व करूंगी। तो स्कूप से मैं इसका आइसक्रीम की पीस निकाल लेती हूँ और किसी बोल में डाल देती हूँ। आप इसमें ऊपर से मैंगो सिरप या मैंगो प्योरी भी डाल सकते हैं। मैं इसमें चॉप बादाम और पिस्ता से सर्व करूंगी। आप भी ट्राई करेगा मैंगो आइसक्रीम घर पे और बताइएगा कैसी लगी मेरी ये मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी आपको। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें।